हेलो गाइस, टुडे इज माय बर्थडे। 2 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है। मैं 2012 को बॉर्न होती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना। और क्या बताऊँ आपको, मेरा घर इतना सड़ा हुआ है ना, मेरे भाई ने मतलब सोफ़ा, मतलब सिर्फ सोफ़ा ही सोफ़ा गंदा हो रखा है। मतलब पेन ऐसे कर 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 ठूस दिया इसने। देखो मेरे ना हैप्पी बर्थडे कार्ड है एक, आप देख सकते हो यहाँ पर बैक में आपको दिख रहा होगा। ये हैप्पी बर्थडे ये मैंने खुद बनाया है। हाँ, पर मार्केट से लेकर आए थे, पर इसमें धागा ठूसना ना बहुत मुश्किल था। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से। देखो यहाँ पर कुछ धागे दिख रहे हैं आपको, ये मैंने घुसाया है। और ये होल ना, ये होल भी मैंने करे है, मुश्किल से बनाई है। नहीं तो मैं क्या करने वाली थी ना, ये हैप्पी तो अलग है, बर्थ और डे मैं अलग करना चाहती थी, पर वो मैंने मना कर दी। और हाँ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। पता है मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँ आज 6:30 को। मेरे कुछ बस थोड़े से फ्रेंड्स आ रहे हैं कोरोना के वजह से ना, थोड़ा सा कोरोना है। मेरे सिर्फ 3 फ्रेंड्स आ रहे हैं। पिछली बार मैंने 4 बुलाए थे, अब की बार तो मेरे इतने भी नहीं हैं। वो मेरे अब बेस्ट फ्रेंड है मेरे, तो मैं बस 3 को ही बुला रही हूँ। अभी वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी ना, जो मेरे साथ एक पिंक कलर जैकेट पे थी, अक्षिता, आप जानते होंगे उसको। मैंने आई एम इन द पार्क विद माई फ्रेंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो देखना पार्ट्स। उसमें एक आपको लड़की दिखेगी, वो भी मेरी कज़न है, मतलब बेस्ट फ्रेंड वो एवर से ऊपर ही है, तो मैं उसको कज़न मानती हूँ। जो मेरी मासी है वो उसकी बुआ है, तो मतलब कज़न ही तो हुई है ना। तो आप भी सोच रहे होगे कि मैं आना को कैसे विश करूँ, मुझे कैसे विश करोगे आप हैप्पी बर्थडे। तो मुझे हैप्पी बर्थडे मुझे मुझे कहने के लिए आप कमेंट में भेज देना। बाय बाय।